अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के मारयांग से मिलंग गांव तक निर्माणाधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण में स्थानीय लोगों ने भारी अनियमितता और घोटाले का आरोप लगाया है। आपको बता दें, केंद्रीय सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 4,95,00,000 रुपए की लागत से यहां 10 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण चल रहा है। यिंगकिनोंग ग्रामीण निर्माण विभाग के तत्वाधान में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। मरियंग के स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण का पहला चरण पूरा होने के बाद भी सड़क की स्थिति काफी खराब है। सड़क में अभी भी बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कीचड़ से भरे हुए हैं। यिंगकिनोंग आरडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता एडा बोको और पीएमजीएसवाई सड़क का निरीक्षण करने वाले जे ने कहा कि सड़क का निर्माण का काम सब स्टैंडर्ड है। अधिकारियों ने ठेकेदार को जीपीआर का पालन करने और गुणवत्ता बनाए रखने की चेतावनी दी है। फिलहाल अभी तो ये रास्ता बहुत खराब है और ये जो जो इसमें सामान भी डाल रहा है ये सब बहुत लो क्वालिटी का सामान डाल रहे हैं। प्रेजेंटली क्या प्रॉब्लम मिल रहा है इसमें आना जाना में? इसमें अभी ऐसे हो रहा है कि बाइक भी थोड़ा चलने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। उसके बाद बाइक तो चोरों बहुत भरा गया, लोग तो बाईपास के लिए भी बहुत तकलीफ हो रहा है।